now you might ask that, uh, oh, does he go to a yoga class? the answer is no. Uh, am i a yoga trainer or a passionate yoga person? Uh, yeah, but i'm a beginner. so headstand and all is like a dream for me. so this is just about the trick that he learned by himself. he started enjoying it. or firus ne kudi uschis ko both improvised karliya. orusko bar, bar, doranelega. आई कैन बेट अगर मैं उसको किसी योगा क्लास में भेज भी देती तो भी वु लर्न समेनिक्स बट हेड स्टैंड कभी नहीं करता राता ही नहीं पेरेंट्स फन एंड क्यूरियोसिटी मजा और जिज्ञासा ये दो चीजें किसी भी गोल को हासिल करने के सबसे बड़े मोटिवेटर्स हो सकते हैं रिसेंटली मैंने एक कोट uh, पढ़ा था इट्स अ कोट कम स्टोरी इसमें दो तरह के लोगों की बात की थी सबसे पहले तरह का व्यक्ति जो एक तथाकथित इंटेलिजेंट पर्सन है बट जो लाइफ में फेल हो गया ही डिसाइड्स कि मुझे एक शिखर पर चढ़ना है और मैं इसके लिए हर चीज न्योछावर कर दूंगा मैं अपना पूरा ध्यान उस शिखर पर चढ़ने के लिए फोकस करूंगा कुछ दिनों बाद ही उसको ये बात समझ में आती है कि मुझे अब शिखर पर चढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है राधर मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है एंड देन ही ड्रॉप्स दिस एम लाइक हॉट पोटेटो दूसरे तरह का व्यक्ति जो एक सो कॉल्ड एवरेज पर्सन है लेकिन वो बहुत ही सक्सेसफुल है ही डिसाइड्स टू क्लाइम द माउंटेन मुझे माउंटेन चढ़ने में मुझे शिखर पर पहुंचने में मजा आता है इसलिए मैं माउंटेन चढ़ता हूँ मैं पूरा का पूरा तो नहीं चढ़ सकता एक दिन में तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज माउंटेन क्लाइंब करता हूँ बीच बीच में रुकता हूँ वहां से जो नजारा दिख रहा है उसका लुफ्त उठाता हूँ फोटोज खींचता हूँ मुझे बहुत मजा आता है और धीरे धीरे करके मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शिखर तक कब पहुंच गया इन दोनों व्यक्तियों में जो फर्क है वो है मजे का द फन फैक्टर इज वॉट डिफरेंशिएट दीज टू पीपल फ्रॉम ईच अदर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अकेडेमिक्स में फोकस नहीं है या जो भी एम उसने खुद के लिए चूज किया है वो उस चीज पर फोकस्ड नहीं है तो शायद उसे उसमें मजा आना कम हो गया है एज अ पेरेंट इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प अवर चाइल्ड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट That he enjoys the most. उसको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है या उसने जो चूज किया है उसे करने का सबसे मजेदार तरीका क्या है अगर हमने ये हासिल कर दिया देन वी हैव डन वक इट सो आर यू रेडी टू टेकअप दिस चैलेंज इफ यस देन ऑल द बेस्ट थैंक यू